अविभाजित बिहार में हुए चर्चित चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव के दाहिने हाथ माने जाने वाले आरके राणा समेत 10 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है, जबकि 2 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई होगी। ये मामला गोड्डा कोषागार से 37 लाख रूपये की अवैध निकासी का है। आरसी 3396 से जुड़ा ये मामला गोड्डा कोषागार से अवैध निकासी का है। इस कोषागार से लगभग 37 लाख रुपए अवैध रूप से निकाल लिए गए। बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई रांची के सीबीआई की विशेष अदालत में हुई। अदालत ने 12 में से 10 अभियुक्तों को दोषी करार दे दिया। इनमें लालू यादव के दाहिने हाथ माने जाने वाले आर के राणा, जिनकी पशुपालन विभाग में अच्छी पकड़ थी, बीजेपी के पूर्व विधायक ध्रुव भगत जो कि पीएससी में चेयरमैन रह चुके थे, ओम प्रकाश दिवाकर जैसे चर्चित नामों के अलावा कोषागार के कर्मचारी, अधिकारी और सप्लायर को दोषी ठहराया गया। सोमवार को इन सभी को सजा सुनाई जाएगी। 12 अभियुक्तों में से 10 अभियुक्तों को दोषी पाया गया, 2 अभियुक्तों को छोड़ दिया गया। जो दोषी पाए गए अभियुक्त हैं डॉक्टर आर के राणा है, ध्रुव भगत हैं, ध्रुव भगत पीएससी के चेयरमैन रह चुके थे उस पीरियड में, और डॉक्टर राणा चूंकि लालू जी के काफी नजदीकी थे इसीलिए वो पशुपालन विभाग में उनकी अच्छी पकड़ थी, इसी आधार पर उनको दोषी पाया गया। वित्तीय वर्ष 1995-1996 में 3 महीने के अंदर 37 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली गई, जबकि वास्तविक आवंटन सिर्फ 1 लाख रुपए का था। कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद आर के राणा कुछ भी बोलने से बचते रहे, लेकिन कहा कि ये अंत नहीं है। आरसी 3396 मामले में महेंद्र प्रसाद और गिरीश कुमार सिन्हा को बरी कर दिया गया। कोर्ट से बरी होने के बाद गिरीश कुमार सिन्हा ने कहा कि 17 साल की परेशानी का अब अंत हुआ। आरसी 3396 के मामले में एक गोड्डा ट्रेजरी का मामला था, इसमें जजमेंट की तारीख फिक्स थी, जजमेंट हो गया है। इसमें 2 लोग को रिहा किया गया, इसमें गिरीश कुमार सिन्हा और महेंद्र प्रसाद, गिरीश कुमार सिन्हा का रिहा किया गया। यह हमारा चौथा केस है जिसमें प्लीन कट एक्टल हुए हैं, फोर्थ केस था, लास्ट एक्टल हो गए और न्याय पर भरोसा है ही, इसीलिए लड़ रहे थे। कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत बहुत अच्छा, 96 से अभी तक टेंशन में जी रहा है। कोर्ट के इस फैसले के दौरान नरेश कुमार को छोड़कर सभी आरोपी कोर्ट परिसर में मौजूद थे। फैसले के बाद सभी दोषी पाए गए अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। नवीन कुमार, सहारा समय, रांची।